आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत का खाता खोल लिया है। एक तरफा मुकाबले में कंगारू टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हार का स्वाद चखाया। श्रीलंका से मिले 210 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर हासिल किया। मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं जोस इंग्लिश ने भी बल्ले से रंग जमाते हुए 58 रन कूटे। श्रीलंका से मिले 210 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डेविड वार्नर को महज 11 रन के स्कोर पर दिलशान मधुशंका ने चलता किया। वहीं स्टीव स्मिथ भी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर सके और 0 पर पवेलियन लौटे। इसके बाद मार्श के साथ मिलकर मानस लबुसेन ने 3rd विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। मार्श 52 रन बनाकर आउट हुए तो लबुसेन ने 40 रन का योगदान दिया। मार्श के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे जोस इंग्लिश ने भी बल्ले से रंग जमाया। इंग्लिश ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों पर 58 रन कूटे। लबुसेन के साथ मिलकर इंग्लिश ने 4th विकेट के लिए 77 रन जोड़े। इंग्लिश ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का जमाया। ग्लेन मैक्सवेल 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद लौटे तो मार्कस स्टोइनिस भी 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 43.3 ओवर में 209 रन बनाकर ऑल आउट हुई। टीम को पासुम निशानका और कुशल परेरा ने दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 125 रन जोड़े। निशानका ने 61 रन बनाए तो परेरा 78 रन टूटे। हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से लड़खड़ा गया और देखते ही देखते पूरी टीम 209 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा ने 4 विकेट झटके जबकि पैट कमिंस और स्टार्क ने 2-2 विकेट झटके।